क्या आप जानते हैं कि जीव विज्ञान के अनुसार पक्षी उड़ने वाले और अंडे देने वाले कशेरुक प्राणी हैं? आज लगभग 10,000 प्रजातियां आसमान में उड़ रही हैं। आइए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे तेज उड़ने वाले पक्षियों के बारे में जानें और उनके बारे में कुछ आकर्षक विवरण उजागर करें। नंबर 1, पेरेग्रिन फाल्कन। पेरेग्रिन फाल्कन अपनी अविश्वसनीय गति के लिए प्रसिद्ध है, जो झपट्टा लगाते समय इसकी अधिकतम गति 389 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी पीठ पर नीले भूरे रंग का प्लूमेज होता है, निचला भाग सफेद होता है जिस पर काली धारियां होती हैं और एक विशिष्ट काली मूंछ का निशान होता है। दुनिया भर में पाया जाने वाला यह शिकारी पक्षी बड़ी ऊंचाई से झपट्टा मारकर दूसरे पक्षियों का शिकार करता है। अपनी असाधारण हवाई चपलता का उपयोग करके उन्हें दबोच लेता है। नंबर 2, सेकफ फाल्कन सर्दियों का बाज। 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गोता लगाने वाला साकर फाल्कन दुनिया का दूसरा सबसे तेज पक्षी है। इसका पंख सामान्यतः भूरे से स्लेटी रंग का होता है और नीचे का भाग सफेद होता है। यह यूरोप और एशिया में पाया जाता है और तेज गति से झपट्टा मारकर शिकार करता है, खासकर उड़ान भरते हुए पक्षियों को अपना निशाना बनाता है। नंबर 3, गोल्डन ईगल। सुनहरे सिर वाला एक राजसी शिकारी, सुनहरा भूरा गोल्डन ईगल 150 से 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से झपट्टा मारता है। उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ों में ऊंचे उड़ते हुए वे खरगोशों, लोमड़ियों और यहाँ तक कि युवा हिरणों को छीनने के लिए आश्चर्यजनक हमलों और शक्तिशाली पंजों का उपयोग करते हैं। नंबर 4, व्हाइट थ्रोटेड नीडल टेल। व्हाइट थ्रोटेड नीडल टेल एक तेज पक्षी, नीले काले ऊपरी भाग और एक सफेद गले का पैच समेटे हुए है। यह खुले जंगलों में निवास करता है और 169 किलोमीटर प्रति घंटा की अविश्वसनीय गति और चपलता का उपयोग करके पंखों पर उड़ने वाले कीड़ों का शिकार करता है। एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला यह अपने तेज हवाई युद्धाभ्यास के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 5, यूरेशियन हॉबी। यूरेशियन हॉबी एक छोटा बाज एक विशिष्ट काले चेहरे के मुखौटे के साथ चिकना स्लेटग्रे पंख दिखाता है। यह उड़ान में 100 किलोमीटर प्रति घंटा 62 मील प्रति घंटे तक की असाधारण गति के लिए जाना जाता है। पूरे यूरोप और एशिया में पाया जाने वाला यह पंख पर शिकार करता है, मुख्य रूप से छोटे पक्षियों का शिकार करता है। नंबर 6, रूफस बेली थ्रश। यह रूफस बेली थ्रश जो दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है, इसका शरीर भूरा और पेट रूखा होता है। यह मधुर गीतों के माध्यम से संचार करता है। फुर्तीली चाल के साथ यह कीड़ों और फलों का शिकार करता है, घनी वनस्पतियों में भोजन खोजने के दौरान तेज गति का प्रदर्शन करता है। इसकी गति 98 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नंबर 7, फ्रिगेबर्ड। ब्लैक स्विफ्ट में असाधारण 153 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और चपलता होती है, जिसके पंख काले होते हैं और पूंछ कांटेदार होती है। दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाने वाला यह पक्षी पानी की सतह से शिकार को छीनकर शिकार करता है और अपनी असाधारण हवाई गतिशीलता का उपयोग करके बीच उड़ान में मछलियों को पकड़ लेता है। नंबर 8, ब्लैक स्विफ्ट। ब्लैक स्विफ्ट एक तेज फुर्तीला पक्षी है जिसके गहरे पंख और एक विशिष्ट छाया है। यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका में झरनों या चट्टानों के पीछे घोंसला बनाकर रहता है। अपनी गति और गतिशीलता का उपयोग करते हुए अक्सर उच्च ऊंचाई पर हवा में मौजूद कीड़ों का शिकार करता है। नंबर 9, रॉक डव कबूतर। रॉक डव, जिसे आमतौर पर कबूतर के नाम से जाना जाता है, भूरे सफेद और काले सहित विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है। सुव्यवस्थित शरीर के साथ यह 77 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकता है। वैश्विक स्तर पर शहरी क्षेत्रों में पाया जाने वाला यह भोजन की तलाश में तेज उड़ान और तेज दृष्टि का उपयोग करके शिकार करता है। नंबर 10, रेड ब्रेस्टेड मर्गेंसर। रेड ब्रेस्टेड मर्गेंसर एक पतली दांतेदार चोंच और आकर्षक लाल भूरे सिर वाली एक चिकनी गोता लगाने वाली बत्तख है। वे 55 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकते हैं। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में पाए जाने वाले वे तेजी से गोता लगाकर और तेजी से पीछा करके पानी के भीतर मछली का शिकार करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।